नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 मई बुधवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। घर की चौखट जाने के सभी प्रयास फेल हुए तो जयपुर में मजदूरी करने वाला और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के नजदीक रायपुर के निवासी दीपक अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर 800 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के लिए तेज गर्मी में अपने गांव की ओर निकल पड़ा। कलेक्टर जोगाराम को इसकी सूचना मिली तो तुरंत गाड़ी लेकर अफसरों की टीम भेजी, लेकिन घर पर ताला लटका हुआ मिला। करीब 2 किलोमीटर दूरी पर पेट्रोल पंप पर ये दंपति छाया में बैठे हुए नजर आए। दंपति को प्रशासन के अधिकारी अपनी ही गाड़ी में बैठाकर रास्ते के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर एमपी सीमा पर छबड़ा जाने वाली बस में बैठाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों को कितनी राशि दी जाएगी और इस राशि का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन के दौरान 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। साथ ही पीएम ने लॉकडाउन 4.0 का भी ऐलान किया था। कोरोना वायरस से प्रभावित घरेलू अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा से प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स में बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 1400 अंकों से अधिक की तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 32,845.48 के ऊपरी स्तर को छूने के बाद 818.68 अंकों या 2.61% की बढ़त के साथ 32,189.80 पर था। इसी तरह एनएसई निफ्टी 213.50 अंक या 2.32% बढ़कर 9,410.05 पर पहुंच गया। बूंदी के भंडेरा कस्बे में बांसी रामगंज मार्ग पर अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क की खाई में गिर गया। चालक व एक जने ने कूदकर जान बचाई। जानकारी के अनुसार फतेहपुरा निवासी शंभुदयाल गुज्जर रामगंज की तरफ से ट्रैक्टर को लेकर पंक्चर निकलवाने के लिए बांसी जा रहा था, तभी सड़क पर सामने से पशु आ जाने से संतुलन बिगड़ गया। ट्रैक्टर 8 फीट गहरी खाई में जा गिरा। ट्रैक्टर को क्रेन की सहायता से खाई से बाहर निकला गया। राजस्थान रोडवेज द्वारा रास्ते में पैदल जा रहे 1200 प्रवासी श्रमिकों को राज्य के 24 जिला मुख्यालय के लिए बस से उपलब्ध कराने के साथ ही जयपुर आगरा हाईवे पर पैदल जा रहे 1400 प्रवासी श्रमिकों को बसों में बैठाकर भरतपुर कलेक्टर द्वारा बनाए गए कैंपों में पहुंचाया गया। रोडवेज के प्रबंध निदेशक नवीन जैन ने बताया कि जयपुर व सवाई माधोपुर स्टेशनों से बिहार जाने वाली 2 ट्रेनों के लिए कोटपुतली अमेर चोमू आईटीआई बनी पार्क व बीटी रोड मानसरोवर से 1250 प्रवासी श्रमिकों को जयपुर स्टेशन तथा टोंक व विभिन्न तहसीलों से 1512 प्रवासी श्रमिकों को सवाई माधोपुर स्टेशन पहुंचाने के लिए बसें उपलब्ध करवाई गई। झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र के भगेरा की तन में स्थित पानिया की ढाणी नायब सूबेदार अमीलाल अमर रहे के जयकारों से गूंजती रही। 45 वर्षीय नायब सूबेदार अमीलाल सिहाग लद्दाख के न्योमा सेक्टर में तैनात थे, जहां 8 मई को हृदयाघात से अमीलाल की मौत हो गई। अमीलाल के 20 वर्षीय पुत्र दीक्षित व 17 वर्षीय बेटी निधि ने पिता को मुखाग्नि दी। सेना और पुलिस की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राजधानी जयपुर की सड़कों पर आए दिन लोगों का काफिला नजर आ जाता है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग भीलवाड़ा से मध्य प्रदेश के लिए पैदल ही निकल गए। भीलवाड़ा की धागा फैक्ट्री में काम करने वाले ये लोग 1.5 महीने के इंतजार के बाद पैदल ही अपने जिले के लिए निकले हैं। भीलवाड़ा से पहले एक ट्रक में 200 रुपए प्रति सवारी किराया देकर एक गांव पहुंचे, तो उसके बाद एक पिकअप में 100 रुपए प्रति सवारी किराया देकर जयपुर पहुंचे। अब यहां से कोटा पहुंचने की जद्दोजहद है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर मास्क लगाना अनिवार्य है, फिर भी कई लोग बिना मास्क के सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जयपुर के चोमू कस्बे में अब बिना मास्क के सड़कों पर आने वालों के खिलाफ नगरपालिका प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया है। नगरपालिका के यू शुभम गुप्ता के निर्देश पर पालिका कर्मचारियों ने सुबह सुबह ही थाना मोड़ चौराहे पर बिना मास्क लगाकर आने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया। बिना मास्क लगाकर आने वाले लोगों के चालान काटे गए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।